हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो दैट वाज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ फिशरीज। ऑन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एज वेल एज द एक्वाकल्चर सिस्टम रिलेटेड टू फिशेज। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर दैट विल हेल्प इन योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक इन IBPS AFO। सो लेट्स बिगन विद द वीडियो। फर्स्ट इज, हाइएस्ट प्रोटीन इज फाउंड इन विच फिश। हाइएस्ट प्रोटीन कौन सी फिश में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका टूना फिश। टूना फिश में आपका पाया जाता है ऑलमोस्ट 27 to 30% आपका प्रोटीन पाया जाता है इन टूना ब्रीड ऑफ फिश। अगला है कि जो हमारा जनरल प्रोटीन कंटेंट रहता है वो कितना रहता है फिश के केस में। प्रोटीन कंटेंट इन फिश, तो फिश के केस में ये वेरी करता है आपका अराउंड 16 to 30%। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगला है कि जो स्पॉन्स होते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है सेपरेट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल ऑफ फिशेस। तो उसी से एक क्वेश्चन है कि आपका जो स्पॉन होता है, स्पॉन की रेयरिंग कहाँ की जाती है। स्पॉन्स आर रेयर्ड ऑन नर्सरी, जो नर्सरी पॉन्ड होता है उस पर स्पॉन्स की रेयरिंग करी जाती है। अगला है जो फ्राई है, फ्राई जो कि मैंने बताया था ऑलमोस्ट आपका 2 to 3 centimeters इनका साइज रहता है, 2 to 3 centimeters साइज रहता है, तो इनकी रेयरिंग कहाँ करी जाती है। तो फ्राई के केस में इनकी रेयरिंग करी जाती है रेयरिंग पॉन्ड में, रेयरिंग पॉन्ड। चलिए अगला है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग की रेयरिंग कहाँ करी जाती है, इसकी रेयरिंग करी जाती है ग्रो आउट पॉन्ड में, ग्रो आउट पॉन्ड। चलिए अब माइग्रेशन की बात करते हैं। जो आपका फिश का माइग्रेशन होता है विद इन द ओशियन और फ्रेश वाटर, तो हर केस में अलग अलग टाइप की फिशेस निकल के आती हैं। उनके जो माइग्रेशन का हैबिट है वो ब्रीडिंग करने के लिए कौन से रिवर में जा रहे हैं, फ्रेश में जा रहे हैं या ओशियन में जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन ऑफ फिशेस। तो सबसे पहले यहाँ पर है, अगर फिश विद इन द फ्रेश वाटर अगर मूवमेंट कर रही है ओवर द लाइफ टाइम विद इन फ्रेश वाटर में अगर वो रहेगी, तो इस कंडीशन में जो फिशेस हैं इनको बोला जाएगा पोटेमोड्रोमस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगला है आपका विद इन, अगर ओशन वाटर में अगर, या बोल रहे हैं सॉल्ट वाटर में अगर ये रह रही होंगी, विद इन सॉल्ट वाटर, तो इस कंडीशन में यहाँ पर इनको बोला जाएगा ओशियनोड्रोमस। चलिए अब अगले पे आते हैं। अब ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि कुछ ऐसे फिशेज होंगी जो कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में साइमल्टेनियसली रह रही होंगी। हो सकता है कि वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए सॉल्ट वाटर में जा रही हों या ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए फ्रेश वाटर में जा रही हों, तो उस कंडीशन में यहाँ पर टर्म जो है वो चेंज हो जाती है। अगर फिश बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर में रह रही हो तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे आपका डायाड्रोमस। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे आपका पहला है एनाड्रोमस, एनाड्रोमस के केस में क्या है कि ये ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये रहती है आपकी ओशन में, बट फॉर ब्रीड पर्पज ये चले जाती है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग, रहती है ओशियन में है बट ये माइग्रेट कर जाती है इन फ्रेश वाटर फॉर द ब्रीडिंग पर्पज। अगला है आपका कैटाड्रोमस में उल्टा होता है, यहाँ पर जो फिश होती हैं वो रहती हैं आपकी फ्रेश वाटर में बट ये माइग्रेट कर जाती हैं आपके ओशन वाटर में, ओशन वाटर फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ओशन वाटर या सॉल्ट वाटर में माइग्रेट कर जाती है। एक और इसमें इसका टाइप आता है आपका एम्फीड्रोमस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एम्फी मतलब बिटवीन द बोथ, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि वो ब्रीडिंग के लिए फ्रेश में जा रही हो या ओशियन में जा रही हो, वो साइमल्टेनियसली आपका जो ओशियन वाटर है या फ्रेश वाटर है दोनों में मूवमेंट करते रहती है। चलिए ये तो मैंने बात कर ली माइग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ साइकिल में भी हमने डिस्कस किया था। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि योल्क सैक इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द फिश, कौन सी स्टेज में योल्क सैक पाया जाता है।
फिश की, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका हैचलिंग, हैचलिंग या बोल रहे हैं लार्वल स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फिश होती है वो 2-3 दिन तक योल्क सैक से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है, उस टाइम पे उसका माउथ फॉर्मेशन नहीं हुए रहता। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर पीसी साइट्स के मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक सीड मील ऑफ टैमरिंड, सीड मील ऑफ टैमरिंड। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका जो सीड मील ऑफ टैमरिंड है जो कि एज ए पीसी साइट जो फिश को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका डोज क्या है। डोज रहता है इसका ऑलमोस्ट 1700 to 2000 kg पर हेक्टेयर एट 1 meter ऑफ डेप्थ। 1 meter ऑफ डेप्थ में इतना अप्लाई किया जाता है। अगला है आपका महुआ ऑयल केक। देखो ये एग्जाम से भी पूछा गया था कि महुआ ऑयल केक का यूज़ क्यों किया जाता है, ये है पीसी साइट। तो यहाँ पर इसका जो डोज है वो है 2500 kg पर हेक्टेयर पर 1 meter ऑफ डेप्थ। 1 meter की डेप्थ पे 2500 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर क्या है, इसका एक एडवांटेज है, एडवांटेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, फिट माना जाता है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। अगर हमने महुआ ऑयल केक का यूज़ किया जो कि एकदम नेचुरल है, इससे अगर हम फिश को मारेंगे तो इट विल बी फिट फॉर कंजप्शन, फिट फॉर कंजप्शन। और इसका एक और एडवांटेज है, मान लीजिए महुआ केक हमने अप्लाई किया है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये डिग्रेड होगा और खुद से ये न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करेगा, तो ये एज ए मैन्योर की तरह काम करेगा ओवर द टाइम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आपके प्रीडेटरी फिश के, जैसे आपका हो गया चना स्पीसीज, चना स्टेटस भी है जो कि जिसका रेयरिंग किया जाता है इंडिया में, और इसके अलावा और भी है जैसे हेट्रोन्यूस्टस फॉजियलिस, हेट्रोन्यूस्टिस फॉजियलिस, और ये जो मैंने बताया था चना स्टेटस, ये म्यूरेल का टाइप है, म्यूरेल की स्पीसीज है, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या है, प्रीडेटरी फिशेज हैं। श्रिम्प के कल्चर के लिए आपका जो श्रिम्प रहता है वो सर्वाइव करता है 6.8 to 8.7 pH के बीच में, और ये सैलिनिटी को प्रीफर करती है आपके अराउंड 10 to 25 ppt। इसके अलावा कुछ डिजीजेस हैं फिश से रिलेटेड, जैसे एक वायरल डिजीज़ है क्योंकि ये यूनिक है और बहुत ही रेयर है, इसका नाम है लिम्फोसाइटिस। लिम्फोसाइटिस इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ फिशेज। इसमें क्या होता है कि जो इनकी बॉडी है इससे लम्स निकलने लग जाते हैं, वाइट लम्स, जैसे आपने पॉपकॉर्न खाया होगा, लाइक पॉपकॉर्न या बोल रहे हैं कॉलीफ्लावर के जो राइस बर्ड्स होते हैं उनकी तरह ये दिखाई देता है, वाइट वाइट जैसे, तो ये एक वायरल डिजीज़ है। इसके अलावा प्रोटोजोअन डिजीज़ हैं लाइक आपका कॉस्टिया हो गया, आपका हेक्सामीटा, फंगल डिजीज़ में हो गया आपका आर्गुलोसिस। देखो मैं बस इम्पोर्टेंट जो है वही यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे आपका रेड पेस्ट बैक्टीरियल डिजीज़, और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था IBPS AFO के 2022 के मेंस एग्ज़ाम में। तो आपका जो रेड पेस्ट है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ऑफ फिश। यहाँ पर क्या होता है कि ब्लडी स्ट्रीक्स दिखते हैं, जो उसकी बॉडी होती है फिशेज की उसमें ब्लडी स्ट्रीक्स दिखते हैं। इसके अलावा एक और डिजीज़ है कोलमनेरिस, इसको माउथ फंगस भी बोला जाता है, बोला तो जा रहा है माउथ फंगस, बट ये इसका कॉजल एजेंट्स है आपका बैक्टीरिया। एक्चुअली इसको फंगस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि होता तो ये बैक्टीरिया से है, बट बिगिनिंग में ये थोड़ा वाइटिश कलर लाइन जैसा प्रोड्यूस होता है लिप्स के अराउंड, और बाद में ये टफ जैसे बन जाते हैं जैसे फंगस के केस में होता है, और ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये फंगल एजेंट है बट वो फंगल के कारण नहीं होता, इसलिए इसको माउथ फंगस बोला जाता है क्योंकि सिम्टम फंगस के जैसे ही आते हैं। और है आपका ड्रॉपसी, इसके अलावा है आपका टेल रॉट और फिन रॉट, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका टेल रॉट और फिन रॉट, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पंख होते हैं उसके बेस एरिया में रेडनिंग हो जाती है, अल्सर्स आ जाते हैं, और जो आइज़ होते हैं वो थोड़ा वाइटिश हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके टेल रॉट और फिन रॉट के। इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो वाटर बॉडी है जिसमें हमने फिशेस की रेयरिंग करी है उसमें एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा, जैसे क्लोरोमाइसिट या टेट्रासाइक्लिन जो बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव माना जाता है, हम इसमें 1% ऑफ CuSO4 ये भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने रेयरिंग करी है फिशेस की, अगर हमको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं टेल रॉट और फिन रॉट के। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।